हम अपने अष्टांग योग साधना विषय को आगे बढ़ाते हुए चार अंगों की ओर आज हम बात करेंगे। अभी पहले के चार अंगों की जो है विस्तृत व्याख्या हम कर चुके हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इस तरह के जो आठ अंग हैं इनमें से चार अंग हमारे शेष बचते हैं। तो यम नियम आसन प्राणायाम की बात हम पहले कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि की। तो प्रत्याहार किसको हम कहेंगे दोस्तों, क्या है हमारी जो इंद्रियां हैं उनके अपने अपने विषय हैं। अपने अपने विषय की बात हम करते हैं तो क्या है विषय, जैसे नेत्र हैं, आंखों का विषय क्या है रूप है, नासिका का जो विषय है वो क्या है गंध है सुगंध है, और टंग का जिह्वा का जो विषय है वो क्या है रस है, हमारे कानों का जो विषय है वो है श्रवण सुनना, और हमारी जो त्वचा है जो स्किन है उसका विषय है स्पर्श। ठीक है, तो ये इनके विषय हैं और व्यक्ति इन विषयों में ही सुख और दुख का अनुभव जो है महसूस करता है। जब हमारी इंद्रियां अपने विषयों में संलिप्त हो जाती हैं आवश्यकता से अधिक, तो फिर व्यक्ति को जो है मनुष्य को जो है सुख और दुख का आभास होता है, उसका अनुभव होता है। तो हमें इन इंद्रियों को इन विषयों से हटा करके अंतर्मुखी करना है। अंतर्मुखी यानी के अंतर्मुखी का यहां पर तात्पर्य ये हो गया कि हमें पता है हमारी नेत्रों के लिए मोबाइल ज्यादा यूज करना या ज्यादा टेलीविजन देखना वो नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी हम उस चित्र को उस दृश्य को हम देखते रहते हैं। तो क्या हो गया, ये विषयों में संलिप्तता वाली स्थिति आ गई, तो उसको वहां से हटाना, उसको स्टॉप कर देना कि नहीं भाई ये नुकसानदायक है, इसको अंतर्मुखी करना यानी के अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना, इसको हम प्रत्याहार की दृष्टि से देखते हैं। ये हो गया हमारा प्रत्याहार। उसके बाद आता है प्रत्याहार धारणा। धारणा का मतलब होता है मन को एक जगह एक जो है केंद्रित करना, केंद्रित करने की कोशिश करना। तो एक सूत्र के माध्यम से ऋषि पतंजलि बताते हैं, देश बंधश चित्त धारणा, यानी कि देश विशेष में एक मन को एकत्रित, मन को जो है एक जगह रोकने की, एक जगह लगाने की कोशिश करना ही धारणा कहलाता है। लेकिन देश विशेष क्या है, यहां पर देश विशेष की बात आती है, ये जो शरीर जो है मानव रूपी जो ये शरीर है इसको हम देश की संज्ञा देते हैं, ये एक पूरा देश है और इसके पार्ट हैं नासिका हो गया, भ्रिकुटी हो गया, नाभि चक्र हो गया, जिह्वाग्र हो गया, जो टंग का जो अगला ये जो हिस्सा है इसको हम जिह्वाग्र भाग भी बोल देते हैं। तो इन जगह पर मन को केंद्रित करने की कोशिश करना। तो मन को जब हम यहां पर केंद्रित करेंगे तो क्या होगा, मन कभी यहां आएगा कभी यहां आएगा कभी यहां आएगा कभी नाभि चक्र पर जाएगा। तो ये जो स्थिति है इसको हम धारणा की स्थिति बोलते हैं, इसको हम धारणा की समझा देते हैं, यानी कि मन को एक जगह पर केंद्रित करने की कोशिश करना इस देश विशेष के अंतर्गत। ठीक है, अब बात आती है प्रत्याहार धारणा ध्यान। तत्र प्रतीकतानता ध्यानम, जहां एक जगह पर जाकर के वो केंद्रित हो जाता है उसको हम ध्यान की स्थिति बोलते हैं, उसको हम ध्यान की संज्ञा देते हैं। यानी कि धारणा में क्या हो गया, जब हम मन को एकत्र जो है एक जगह केंद्रित करने की कोशिश करते हैं तो मन क्या करेगा, कभी यहां आएगा कभी यहां आएगा कभी यहां आएगा कभी यहां आएगा। लेकिन ध्यान की जो स्थिति है, ध्यान में वो एक जगह पर स्थिर हो जाएगा। अगर आपने यहां लगाया है उसको तो वहीं जो है वो होल्ड हो जाएगा, वहीं पर जो है रुक जाएगा ध्यान। ठीक है, तो इसको हम ध्यान के नाम से जानते हैं, एक जगह पर जब हम उसको केंद्रित करके लंबे समय तक रोक पाते हैं तो वो ध्यान कहलाता है। तो प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो दोस्तों ध्यान की जो उच्चतम अवस्था है उसको ऋषि जो लोग हैं जो योगी लोग हैं वो समाधि की संज्ञा देते हैं, और समाधि दो प्रकार की बताई है अष्टांग योग साधना में, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि को जो है सबीज कहते हैं और असंप्रज्ञात समाधि को निर्बीज कहते हैं। तो ये समाधि की जो अवस्था है इसमें जो है जीवात्मा जो है
परमात्मा का ही जो है चिंतन करता है, परमात्मा की जो है जो शक्तियां हैं, परमात्मा की जो पावर है उसी में जो है वो रम जाता है। तो इस अवस्था को ही जो हमारे योगी लोग हैं वो समाधि की जो है संजा देते हैं और अष्टांग योग के माध्यम से ही इस अवस्था को वो लोग प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी जो आज का जो हमारा विषय था, अष्टांग योग साधना। अष्टांग योग साधना का जो है वर्णन, यानी कि आठ अंगों का हमने जो है वर्णन किया है आप लोगों के सामने। तो अष्टांग योगों का जीवन में बहुत ज़्यादा जो महत्व है और खास करके आधुनिक जो जीवन है इसमें तो और भी ज़्यादा इसकी आवश्यकता होती है। ये सब अब हम आपको अगले पार्ट में समझाएंगे कि आधुनिक जीवन में अष्टांग योग की क्या उपयोगिता है। नमस्ते।